जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर SSC GD के लिए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, इनमें से आपको आंसर बताते जाना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र आपसे पूछा गया है। ये चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आपका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर आपका चार वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द आपने पढ़ा होगा URL का क्या अभिप्राय है? URL आपने पढ़ा है, देखा होगा URL डालना पड़ता है कहीं कहीं पर, जो वेबसाइट में भी आपको URL मिलता है, तो इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन, पूंजी, उपकरण या फिर श्रम के रूप में? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है, ये पूंजी के रूप में जो है वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला पूछा गया, देखिएगा, वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाती हैं और क्या बनाते हैं? बताइए, फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण या फिर झीलों में यूट्रोफिकेशन या मृदा PH का निम्न स्थिरीकरण या फिर औद्योगिक धूम निर्माण? तो आप सभी का सही आंसर होगा, यहाँ पर मृदा में PH का निम्न स्तरीकरण आपका सही आंसर होगा। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का, कृषि नीति का, कर नीति का, राजकीय का? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर गियासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो आप सभी का सही आंसर होगा बलबन ने। बलबन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में व्यक्त किया जाता है, या PPM का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि PPM का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है कि PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर? तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर एक राजा राम मोहन राय आप सभी का सही आंसर होगा। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आप सभी का सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। आपके संविधान से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं SSC में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? देखिएगा, चांदी, कांसा, पीतल, टंका। तो टंका है, पीतल है, कांसा है, चांदी जो है मिश्रित धातु नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, किस योजना का ये उद्देश्य है, किस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लोह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है तीन, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तीन वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, वास्को डी गामा में, मर्फी ने? तो आप सभी का सही आंसर है कि कोपरनिकस इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो घट जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है या फिर बढ़ जाता है? तो आप सभी का सही आंसर है कि जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वह घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक। कृषि से औद्योगिक भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? किस प्रकार मिलता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा, दिए गए विकल्पों में से सभी आपका सही आंसर है, यानी कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराकर, कच्चे माल की आपूर्ति कर। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी? भारत ने, अमेरिका ने, UK ने या फिर पाकिस्तान ने?
तो आप सभी का सही आंसर है अमेरिका, विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सभी का सही आंसर है कि उस एसिड का नाम है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। दादाभाई नौरोजी ने अपनी धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? वह पुस्तक आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक, यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन, संभावित संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो आप सभी का सही आंसर है जैव संसाधन कहलाते हैं, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल का रासायनिक संगठन पूछा गया है, D2O आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, D20 होगा आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जेनीवा स्विट्जरलैंड में, लंदन UK में, वाशिंगटन USA में। तो आप सभी का सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड आपका सही आंसर है, जेनीवा स्विट्जरलैंड सही आंसर है। इनमें से निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तितली, शैवाल, टिड्डा, मशरूम, जो स्वतः पोषित है, तो स्वतः पोषित क्या है आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो, यानी कि शैवाल आपका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा, JL नेहरू आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो। अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं है, तो इतने जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है SSC GD एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।